हेलो एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? फाइन, वाओ, वेरी नाइस। चलो बिफोर दैट प्रेयर स्टार्ट करें पहले, है ना? सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स एंड स्पीक। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नाउ ओपन योर आईज, ओके? चलो फास्टली टेक बुक ऑफ वर्ड अराउंड मी। वर्ड अराउंड मी, दिस इज योर ईवीएस बुक, राइट? वर्ड अराउंड मी। नाउ ओपन पेज नंबर 1770. Can you see here, students? 1770. Right? Now, please mention date in corner. Mention date in corner. Right? Now, our new chapter is good habit. What, students? Good habits. गुड हैबिट मतलब मीन्स वॉट, जो आपकी अच्छी अच्छी हैबिट्स होती है ना, जो मम्मा कहती है अरे मेरा बेटा वेरी गुड, जो मम्मा आपकी तारीफ़ करे दैट इज़ योर गुड हैबिट। और मम्मा करती है ना, यस, सबकी मम्मा करती है ना। सो कैसे गुड हैबिट्स आपकी बनती है स्टूडेंट्स? सी, फर्स्ट पुट योर पेंसिल ऑन क्वेश्चन एंड रीड। गुड हैबिट्स हेल्प अस एवरी डे। जो गुड हैबिट्स से वो आपकी हमेशा मदद करता है, रोज़ मदद करता है, ठीक है? ट्रेस अलोंग द डॉटेड लाइन्स विथ अ रेड क्रेयन। चलो कौन से क्रेयन से आपको लाइन को डॉटेड करना है, राइट? कौन से कलर से आपको करना है? रेड क्रेयन से। चलो फर्स्ट पिक्चर गिवन, विच वन? ब्रश एंड पेस्ट, पेस्ट एंड ब्रश, राइट? सो कौन पहले तो ये बताइए, कौन उठ के पहले अपने आप ब्रश करता है? सब करते हो? यस, मुझे पता है मेरे अच्छे बच्चे हैं ना। यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फर्स्ट गुड हैबिट है दैट इज़ योर ब्रश एंड पेस्ट, राइट? सो जो आप, जो बच्चा अच्छे से ब्रश करता है, जिसके टीथ एकदम वाइट हो जाते हैं ब्रश करके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट गुड हैबिट। सो व्हाट यू डू हियर, टेक अ रेड क्रेयन, राइट? रेड मीन्स विच कलर स्टूडेंट्स? डू यू नो रेड मीन्स विच कलर? यस, यस, ये रहा, है ना? सो टेक दिस रेड क्रेयन फ्रॉम द रेड डॉट, राइट? मेक अ लाइन, ट्रेस करना है बेटा, सिंपल, डन, है ना? समझ में आया आपको? रेड डॉट से आपको एरो तक लाइन ट्रेस करनी है, राइट? सो विच वन इज योर फर्स्ट हैबिट? ब्रश करना, राइट? नाउ हियर बकेट एंड मग गिवन, विच पिक्चर गिवन? बकेट एंड मग। तो आप इससे क्या करते हो, चलो कौन बताएगा? बकेट एंड मग से बाथ करते हो, ठीक है? सो हियर बाथिंग पिक्चर गिवन, देखो एक क्यूट सा बच्चा नहा रहा है, सो दिस इज योर सेकंड गुड हैबिट। सो अगेन मेक अ, टेक योर क्रेयॉन, पुट ऑन रेड डॉट एंड मेक अ लाइन लाइक दिस, है ना? डन, सो दिस इज योर सेकेंड हैबिट। फर्स्ट आपकी हैबिट थी ब्रश करना, सेकेंड गुड हैबिट थी बात करना, थर्ड हैबिट विच पिक्चर गिवन हियर? कॉम्ब, यस। और कॉम्ब से आप क्या करते हो, अपने बाल को सही करते हो, जैसे आप गुड बॉय लगो या गुड गर्ल लगो, है ना? सो प्लीज टेक योर क्रेयॉन, पुट ऑन रेड डॉट एंड मेक अ लाइन लाइक दिस, डन? यस, सो दिस इज योर थर्ड गुड हैबिट। अगेन आई रिपीट, ब्रश फर्स्ट हैबिट, बाथ सेकेंड गुड हैबिट, कॉम्ब करना थर्ड गुड हैबिट, राइट? नाउ फोर्थ पिक्चर
Which one? Here cloth given. Can you see? One type of uniform, right? So you have to wear yourself. अरे अच्छे से कपड़े अरेंज करके आपको पहनना है. So wear a cloth properly. This is your four good habit. So please put your crayon on dot and make a line like this. Okay, now this picture is milk glass. Oh, कोई नहीं पीता milk. मुझे पता है मम्मा कितना पीछे भागती है. बेटा दूध पी लो. बेटा दूध नहीं पीता है. पीता है? Yes, पीते हो ना. So this is your very good habit, beta. You have to drink milk one glass or two glass daily. जो बच्चा milk पीता है ना बहुत cute गोरा गोरा होता है ना. आपको भी ऐसा बनना है ना cute cute. So please drink a milk every day, right? So this is your again good habit. You have to finish your milk glass. So again take your crayon, put on the red dot and make a line like this. Done? Yes. Now ये सारी गुड हैबिट्स यू हैव टू डू योर सेल्फ. हाँ स्टूडेंट्स, मम्मा दूध नहीं पिलाएगी, मम्मा कपड़े नहीं करेंगी, मम्मा कॉम नहीं करेगी, आपको खुद सब करना है. सो दिस इज योर गुड हैबिट. नाउ हियर शूज गिवन, राइट? बच्चे आराम से मोबाइल करते हैं और मम्मा आराम से शूज पहनाती है. नो, यू हैव टू वियर शूज. प्रॉमिस? यस. चलो तो आपको शूज खुद पहनना है, राइट? Can you see the picture here? Okay, so this is your again good habit. So please put your crayon on red dot. Make a line like this. Okay, now last, take your bag. It means you have to arrange your bag. School jaane se pehle bag mein pencil hai ki nahi, bottle hai ki nahi, you have to check. And after bring carry your bag and go to school, है ना? So ये आप बहुत अच्छे से work करते हो ना बेटा? Yes, so this is your good habit. Okay, students, in Saturday I will ask, ये इतनी good habit में से आप कौन सी good habit को follow करते हो? आप कौन सा work खुद करते हो? ठीक? So again we repeat here, brush करना, बाथ करना, कॉम्ब करना, ड्रेस वियर करना, मिल्क पीना, हियर शूज पहनना एंड हियर आपका बैग प्रिपेयर करना, रेडी करना. सो दिस इज योर गुड हैबिट. हाउ मेनी? 7, राइट? दिस इज योर 7 गुड हैबिट. नाउ क्लियर स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज. Turn your face. My clothes. Students, you wear different type of cloth. है ना? Winter में अलग पहनते हो, summer में अलग पहनते हो, monsoon में अलग पहनते हो, right? तो there are different name of different clothes. जैसे कि girl है तो वो frock पहनती है, skirt पहनती है ना? Jeans also wear and short also wear. Right? And here top and here trouser. Clear? So please put your pencil on question. Color all the given clothes. जितने भी clothes हैं students, आपको खुद design आपको select करना है. Frock given, तो this is ribbon given. Belt given, right? तो belt का color different, नीचे के पार्ट का अलग कलर, ऊपर का अलग कलर. सो यू हैव टू मेक अ कलरफुल ड्रेसेस हियर, राइट? विथ योर मम्माज हेल्प आपको अच्छे से क्लोथ का कलर करना है. हियर पॉकेट गिवन, तो हियर जीन्स टाइप ऑल्सो गिवन. प्लीज़ फिल ब्लू कलर हियर, है ना? पॉकेट में दूसरा कलर कर सकते हो. हियर शॉर्टी गिवन, हियर यू कैन फिल डिफरेंट कलर. हियर स्कर्ट गिवन, है ना? लोअर गिवन, हियर टॉप गिवन. सो यू हैव टू फिल डिफरेंट कलर इन डिफरेंट क्लोथ्स, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर द क्लोथ्स ऑफ द चिल्ड्रन.
दोनों बच्चों को कलर करके आपको अच्छे से रेडी करना है। अच्छी सी ड्रेस का कलर करके आपको सैटरडे को खुद मुझे दिखाना है ना? करोगे ना बेटा? यस ओके। तो चलो यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास ओवर करें। टेक केयर, गुड बाय।